अरे भाई आज काय का पेपर है? आज है आर्ट का पेपर। मजाक ना करो यार, हमने कुछ पढ़ा नहीं। सही सही बताओ काय का पेपर है? आज है इंग्लिश का पेपर। क्या इंग्लिश का पेपर है? लेकिन हम तो कुछ पढ़ के ही नहीं है भाई। ऐसा करना, हमको इतना बता देना कि हम पास हो जाएं। अरे हमको कुछ कुछ नहीं आता, तुमको कहाँ से बताएंगे भाई। तुम्हें कुछ आता है इंग्लिश के पेपर में? पेपर तो मिलने दो, तब पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं। अच्छा ये बताओ, कुछ पढ़ के आए हो तुम? हम ना पेपर में कभी कुछ पढ़ के ही नहीं आते। जुगाड़ है जुगाड़, मेरे पास बहुत तगड़ा जुगाड़ है भाई। प्लीज यार हमें भी जुगाड़ बता दो, इंग्लिश के पेपर में हम भी पास हो जाए यार। हम ना पर्ची लेकर के आए हैं, तुम शांति से बैठना, हम नकल मारेंगे, तुम भी धीरज से देख लेना ठीक। क्या पर्ची लेके आए हो? वो गोचू टीचर पकड़ लेगा ना तो बहुत मारेगा। अरे ऐसे कैसे मारेगा? जब पकड़ेगा पर्ची के साथ तब मारेगा। अब कुछ भी करना पड़े, पास होना जरूरी है, नहीं तो पूरा साल खराब हो जाएगा हम लोगों का भाई। अच्छा ये बताओ, तुम नकल मार लेते हो? अबे नकल मार मार के तो नवी कच्चा तक आ गए, तुम पूछ रहे हो नकल मार लेते हो? बहुत तगड़ी नकल मारते हैं भाई। देखो पर्ची नहीं पकड़नी चाहिए, नहीं तो हम सब फंसेंगे। सब बच्चे आ गए, आज है इंग्लिश का पेपर, 70 नंबर का है, कम से कम 40 नंबर लाने हर एक बच्चे को। अरे यार ये क्या कह रहा, यहाँ 4 नंबर का आता नहीं है, 40 कहाँ से लाएंगे? ये है ना, यही बताएगा हम लोगों को। अबे इतना थोड़ी लिख के लाए हैं कि 40 नंबर आ जाएंगे, बस पास हो जाओगे इतना है। सब बच्चे कान खोल के सुन लो, अगर किसी के पास कोई पर्ची नकल हो तो हमें दे दे, बाद में अगर पकड़ा ना तो फैला फैला के मारूंगा। यहाँ पूरी रात मेहनत करके पर्ची बनाई है और इनको दे दे। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसी के पास कुछ हो तो हमको दे दे। नहीं है सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम्हारे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? सर जी हमारे पास नहीं है, बाकी का ठेका हमने नहीं ले रखा है। तुम चेक करो, ढूंढो जाके किसके पास है किसके पास नहीं है। अच्छा आज तुम भी आए हो? हाँ सर, सोचा पेपर दे आ जाके, तीसरी लहर तो आनी नहीं है, नहीं तो हम तो प्रमोट हो जाते। तुमको कुछ आता है कि ऐसे ही हवा में पेपर देने चले आए हो? अरे हमको बहुत कुछ आता है, जब कॉपी चेक करना ना तब बताना हमको। तुम नकल लेके आए हो? हाँ नकल तो लेके आए, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? सुनो हमें भी दिखाना, नहीं तो सर से बता देंगे कि तुम नकल लेके आए हो। तो फिर ऐसा करो, पर्ची तुम लोग ले लो, तुम लोग नकल मार लेना, फिर हमको दिखा देना ठीक। अरे नहीं नहीं हम पर्ची थोड़ी लेंगे, तुम नकल मार के हमको दिखा देना बस। तो फिर शांति से बैठो, ज्यादा उंगलबाजी ना करो हमसे। अच्छा तुम लोग नकल मारोगे? अरे नहीं नहीं तुमसे किसने कहा हम नकल मारेंगे? हमको पागल ना बनाओ, हमने सब सुन लिया है। अच्छा सुन लिया है, तो शांत बैठो और अपने काम से मतलब रखो तुम। सर जी क्या हुआ? कुछ नहीं सर जी। अरे शांत रहो ना, तुम्हें भी दिखा देंगे जो तुमको नहीं आता होगा। सुनो हमको सब आता है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, और पर्ची से तो हम कतई देख के नहीं करेंगे। तो फिर ज्ञान पाड़े ना बनो, शांत बैठी रहो। सर जी ये पेपर में नकल लेकर के आए हैं। कौन नकल लेकर के आया? हम नकल लेकर के थोड़ी आए। लाओ इधर, कहाँ है पर्ची? लाओ हमको लाओ पर्ची, हम बाहर फेंक दे। सर मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। तू पक्का पर्ची लाया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ला पर्ची इधर, ऐसे नहीं देगा ना। चल वॉशरूम में तुझे नंगा करके पर्ची निकालनी पड़ेगी, चल जल्दी चल। सर मेरे पास पर्ची नहीं है। अरे सर छोड़ दो, कहाँ लिए जा रहा? अरे सर छोड़ दो ना। अबे पर्ची तो गई वॉशरूम में, अब कैसे पास होंगे हम लोग?